रामनवमी पर हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिए आदेश, कहा राज्य पुलिस 2 सप्ताह में दस्तावेज सौंपे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रामनवमी पर हावड़ा जिले में शिवपुरी में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिव गगनम के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने गुरुवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर फैसला सुनाया। याचिका में हिंसा के दौरान बम विस्फोट होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस ने लेकर एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने राज्य पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा गया है। लगातार हो रहे हमले, इस मामले में भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि राज्य में जुलूसों पर पथराव और लगातार हमले हो रहे हैं, इन सभी मामलों की कोई जांच नहीं हो रही। हमें पश्चिम बंगाल प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। हम एनआईए जांच कराना चाहते हैं और खुश हैं कि मामला एनआईए को सौंप दिया गया है।